खबर आप। राजनीति में हर कोई अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक 19 साल के लड़के के नेतृत्व में दिल्ली की लोकसभा चुनाव को लड़ा जा रहा है। और इस 19 साल के लड़के के नेतृत्व में सातों लोकसभा सीट पर आम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सुनकर आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इस खबर को देखने के बाद आप खुद भी विश्वास कर लेंगे कि किस तरीके से 19 साल के लड़के के अंदर जोश है और उसने एक पार्टी और एक मोर्चा गठन कर लिया जिसका नाम है निर्दलीय मोर्चा। तो देर मत करिए, देखिए सबसे पहले इस खबर को कि आखिरकार कैसे यह लोकसभा चुनाव की हो रही है तैयारी। मनोज तिवारी जी तो गाते थे, तो बोलते थे कि घूमे खातिर गाड़ी हीरो होंडा खोजे लू, लेकिन वो हीरो होंडा जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो वो हीरो होंडा भूल गए, अब सिर्फ बीएमडब्ल्यू में सवार रहते हैं। यहीं पर पीछे साहब की कोठी है, आप जाइए लेकिन मिलेंगे नहीं। लेकिन वैसे ही गीतकार के उसमें हमने भी जो झुग्गी झोपड़ी की निकली हुई कला है, जो हर गरीब में बसती है, जो अच्छा गा सकता है लेकिन उसको अच्छा मंच नहीं मिला, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने इस बार हमें आशीर्वाद दिया जो सिर्फ मजलूमों की आवाज को उठाते हैं और उनके लिए बड़ी बड़ी ताकतों ने जब अपने शीर्ष पर आ जाती है तो घमंड आता है, लेकिन मैंने देखा है कि वो हमेशा गरीबों के लिए, बेटियों के लिए, अशिक्षितों के लिए, मजलूमों के लिए गाने वाले। हमने हमारी सीट जो हमारी है चांदनी चौक, उस सीट से हमने प्रत्याशी बनाया है गीतकार और अदाकार भाई मुसर्रत कुरैशी जी को। हम लोग सुनेंगे भी गाना इनका, क्योंकि कैसे पता चलेगा फिर गीतकार है कि नहीं है, है? तो इसलिए आप लोग बोलना सीखिए। जो लोग कहते हैं कि जी चाय वाले हैं आप, हम चाय वाले थे, तो उनसे बोलिए हमने नहीं देखा कि आप चाय वाले थे या नहीं, लेकिन हाँ हमने ये देखा है कि एक 19 साल का बच्चा जो संगम विहार की झुग्गियों में रहता है उसने बदलाव के लिए कुछ शुरुआत की है, मुझे आप देख सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े चाय वाले और जो IRS ऑफिसर थे, वो दिल्ली के जो इस समय जनाब है, वो कहते थे कि मैं IRS ऑफिसर था जी, इनकम टैक्स में ईमानदार था, मैं भ्रष्टाचार नहीं करता था। मैंने नहीं देखा कि वो अपने कार्य में भ्रष्टाचार करते थे या नहीं करते थे, या उस समय जिस विभाग में थे उसमें उनकी क्या छवि थी। लेकिन हमने गुजरात मॉडल भी नहीं देखा, लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं जब आपसे कोई पूछे कि आज आप किसके कार्यक्रम में गए थे, कौन है ये निर्दलीय मोर्चा बनाने वाला, तो आप बोलना कि ये वो है निर्दलीय मोर्चा बनाने वाला जब उसने कुछ नहीं सिर्फ एक छोटे से आर्यभट्ट कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव जीता और उस कॉलेज में भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां के कॉलेज के प्रिंसिपल को 6 महीने तक सस्पेंड रखवाने की हिम्मत की। जिन लोगों को आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं उन लोगों ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन वह राजनीति के सिस्टम से बोर हो चुके हैं और राजनीति में बदलाव चाहते हैं। इस वजह से अब उन्होंने भी ठान लिया है कि उनको कोई सिपाही नहीं बनना है और ना ही कोई क्लर्क बनना है, ना ही कोई मजदूर बनना है, अब हमको भी नेता बनना है। शायद इसी वजह से एकजुट होकर निर्दलीय मोर्चे में लग गए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब जुट गए हैं। ये आम जनता का मोर्चा है, ये मोर्चा उन लोगों का है जो कि गरीब है, दलित है, अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, जिनकी कोई पार्टी नहीं सुनती। आज उन्होंने अपना एक मोर्चा बनाया है, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दिल्ली में सातों लोकसभा सीट पर हमने प्रत्याशी उतारे हैं और पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में कि एक 19 वर्ष का छात्र दिल्ली के अंदर में सातों लोकसभा सीट पर चुनाव लड़वा रहा है, क्योंकि ये आम जनता की आवाज़ है, ये आम छात्र लड़वाना चाह रहा है। आज तक छात्रों का नेता नहीं हुआ, इस बार छात्रों के नेता संसद पहुंचेंगे, इसकी हम कामना करके आगे हमने प्रत्याशी उतारे। 2019 चला और 19 साल का लगता है कुछ इतिहास रचेंगे। देखिए ये बदलाव है, अब ये शायद
बड़ी बड़ी पार्टी वालों के लिए हम एक सूचना देना चाहते हैं कि अभी भी अपने झूठे वादों, झूठे जुमलों से और झूठे स्वराज के सपना दिखाना बंद करें, क्योंकि अब छात्र जग चुका है, मजदूर जग चुका है। अभी भी अगर ऐसा होगा कि ये मजदूर मजदूरों का शोषण करेंगे तो हम जैसे छात्र उठेंगे और इस बार बदलाव करेंगे। सात लोगों को जो आपने चुना है, सातों सीटों पर कौन कौन लोगों के बारे में? हमारे जो है दक्षिणी दिल्ली से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो श्री संदीप मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी हैं अमित कुमार जी हैं। हमारे जो नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं वो अशोक निराला जी हैं। हमारे जो उत्तर पूर्वी से दिल्ली से प्रत्याशी हैं पंकज कुमार जी हैं। हमारे जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से हैं वो हमारे सुनील तंवर जी हैं। हमारे जो चांदनी चौक से प्रत्याशी हैं वो हमारे सुनील तंवर ये मुशर्रत कुरैशी जी हैं। तो इसलिए दिल्ली में ऐसी पहली बार हो रहा है कि मजदूर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये कोई भाषणबाजी के लिए नहीं, आप लोग उनके घरों पे जाइए देखिए, लेकिन इस बार मजदूरों की परेशानी है तो मजदूर जाएगा संसद में, क्योंकि गूंगी बहरी संसद अब मजदूरों की आवाज़ नहीं सुन रही, इसलिए मजदूर वोट लेगा और मजदूर मजदूर के वोट से संसद में जाएगा। क्या इन लोगों ने कभी चुनाव लड़ा? जी नहीं, इन लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। ये लोगों को चुनाव लड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मजदूरों की गरीबों की आवाज़ को अब ये सरकारें वो नहीं कर रही हैं। तो इसलिए अब निवेदन है लोगों से कि वो लोग उठें और मजदूर आदमी इस बार बड़ी बड़ी पार्टियां ना देखें, गरीब जनता को देखें, गरीब आदमी को देखें और जो उनकी बातों को रख सकता है। ये मैं 19 साल का बच्चा हूँ, लेकिन हाँ इस विश्वास के साथ हमने प्रत्याशी खड़े किए हैं कि शायद बसों में भीड़ में चलने वाली जनता इस बार अपनी तरह मजदूरों को जिताएगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से ऑनर 7A उम्मीदवारों के अंदर जोश है और सभी की अपनी अपनी कहानी है, लेकिन बावजूद उसके राजनीति के सिस्टम को बदलने के लिए यह सभी लोग अपने से छोटी उम्र के 19 साल के लड़के के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है और राजनीति के सिस्टम को बदलना चाहते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कोई भी नई पार्टी और कोई भी नया नेता लोगों तक पहुंचने के लिए नए नए हथकंडे अपनाता है, क्या निर्दलीय मोर्चा भी लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरेगी और लोग इन पर विश्वास कर इनको वोट देंगे, यह तो लोकसभा का आने वाला चुनाव ही तय करेगा। दिल्ली से हरिकिशोर शाह की खास रिपोर्ट।